हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे मटर की दाल। मटर की सब्जी तो हम हमेशा बनाते हैं, आज मटर से दाल बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मटर की दाल बनाना। उसके लिए मैंने 2 कप मटर ले लिया है, एक प्रेशर लिया है। प्रेशर में मटर डाल करके उसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी और 5-6 सीटी लगा लेंगे। इसमें थोड़ा सा मटर को ज़्यादा गलाना है, इसलिए 5 से 6 सीटी लेना है, वो भी हमें मीडियम फ्लेम में। मैं हल्दी और नमक इसमें डाल रही हूँ। अब प्रेशर का ढक लगा करके हम इसमें सीटी ले लेंगे। ये मटर की दाल बहुत ही टेस्टी बनती है। ये देखिए, प्रेशर एकदम ठंडा हो गया है, मटर हमारे बहुत अच्छे से गल गए हैं। ये देखिए, आपको मैं दबा के दिखाती हूँ। अभी इसे हम मथनी से मैश कर लेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा चिकना नहीं करना है, बस इसे कोर्सली मैश करना है। इसमें हल्के हल्के से दाने रहने चाहिए। मटर हमारा अच्छे से मैश हो गया है। अभी एक कढ़ाई में तेल गरम हो गया है, अभी उसमें मैं सरसों और जीरा का बघार लगा रही हूँ। साथ ही उसमें मैं प्याज डाल रही हूँ। प्याज को हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। अब अदरक और जिंजर का पेस्ट है, लहसुन का भी पेस्ट है इसमें। अब इसे अच्छे से भून लेंगे। प्याज हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे। अभी इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, जिससे कि टमाटर बहुत जल्दी गल जाएंगे। अभी टमाटर अच्छे से मैश हो गया है, ये देखिए। अभी इसमें मैं मटर डाल रही हूँ, जो हमने मैश करके रखा था। ये थोड़ा सा गाढ़ा है, तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, इसे मीडियम थिक ही रखना है। अभी इसमें मैं मसाले डाल रही हूँ, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर। अभी हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी इसमें मैं थोड़ा सा टेस्ट के लिए गरम मसाला डाल रही हूँ। अभी इसे हम 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकने देंगे। अभी इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया पत्ती। ये देखिए, हमारी मटर की दाल बनकर के रेडी हो गई है। ये बनाने में भी बहुत इजी है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।